छतरपुर में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब बनाने वाले अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने का काम चल रहा था। अधिकारियों ने शराब बनाने का सामान नष्ट कर दिया है और कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस और आबकारी टीम का अभियान जारी है। आबकारी विभाग की टीम ने बिजावर व्रत में कंजरपुर रेड़ा सगागर रोड स्थित ढांबो गुलगंज आदि क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की है, जिसमें संबंधित धाराओं के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई में 95 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, लगभग 15.6 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 2650 किलो महुआ लाहन और शराब निर्माण सामग्री को नष्ट किया गया है। जब्त शराब और सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 1,72,000 रुपए बताई जा रही है। अभी नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, तो विशेष अभियान चलाकर हम जहाँ जहाँ पे सूचनाएं प्राप्त होती सभी जगह कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी कार्रवाई की थी और ये लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अभी जो है कुछ क्षेत्रों में जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जो यूपी लगा हुआ बॉर्डर लगा हुआ वहाँ पे ज्यादा संभावना है, ऐसे क्षेत्रों में हम पहले कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारे करीब 2 अक्टूबर से लगातार ये काम कर रहे हैं, तो हमारे लगभग 45 से 46 प्रकरण बने हैं। चूँकि हमारे पास 3 इंस्पेक्टर है और उनके पास पूरा जिला है, तो कार्रवाई संख्या तो कम है लेकिन कार्रवाई अच्छी हुई है। जब्ती भी हमारी करीब जो है 3,000 किलो के लगभग क्विंटल के लगभग में महुआ जब्त हुआ है, और साथ में 200 लीटर के लगभग देसी और कच्ची करीब 350 लीटर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।